इसको उतारना ही पड़ेगा अभी, बहुत इजी निकल रहा है ये है मैट ब्लैक। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड फाइन गाइस। भाई आज जा रहे हैं हम लोग, रैप करवाया था लास्ट वीक और रैप भाई एक वीक भी नहीं टिका, तो और रैप तो मैं अभी उतार ही दूंगा क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है उसको लगाने का, तो उसको उतार के हम लोग सोच रहे हैं एक पेंट स्प्रे लिया ब्लैक कलर का वो मारेंगे, क्योंकि अभी पूरा समर आने वाला है, आने वाला क्या आ ही गया है तो रैप टिकेगा नहीं उस समर में। तो अभी जा रहे हैं बिने की दीदी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा सा अपार्टमेंट है तो वहाँ नीचे अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं सीधा जब हम लोग पहुँच जाएंगे वहीं पे, मिलता हूँ आपको और दिखाता हूँ रैप का क्या ही कंडीशन हो रखा है भाई, इतना गंदा रैप ना मतलब इतना गंदा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बिने की दीदी के घर के पास और मैं यही बता रहा था भाई रैप देखो कहाँ से निकला भाई, ये रैप देखो ये हालत ही ख़राब है इस रैप की, तो इसको उतारना ही पड़ेगा अभी। दिने गया ऊपर, बाकी सामान तो हम लोग लेके आ गए हैं, मतलब स्प्रे वगैरह पूरा लेके आ गए और न्यूज़पेपर भी है, ये न्यूज़पेपर है और स्प्रे चेक करो भाई, ये है आपका शाइन वाइट और ये है मैट ब्लैक। दिने आ जाता तो उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं अपना पेंट का, रोल ब्लेड वगैरह लेके आ जाओ भाई। रैप की तो हालत ही ख़राब हो गई, मतलब दोनों तरफ से ख़राब हो गया, इस तरफ से भी ख़राब ही हो गया, ये देखो इतना गंदा रहता है, रैप करना नहीं है बाइक तो, रैप तो पूरा निकाल दूंगा मैं अभी। ये पीछे वाले पैनल भी हम लोग रैप ही किए थे जो कि यहाँ से निकलना शुरू हो गया, ये स्टिकर भी चला जाएगा यार यामा का, और क्या रैप करवाया था, हाँ ये भी निकल ही रहा, देखो पूरा निकल रहा है ये रैप, वेस्ट हो गया, वो पूरा उतार देंगे अभी, उसके बाद करेंगे काम स्टार्ट। लो भाई बहुत इजी निकल रहा है ये, एक बात अच्छी बताई कि मैंने यहाँ पे रैप नहीं करवाया था, नहीं तो ये भी चला जाता तो स्टिकर भी, ये स्टिकर को बचा के रखना हमें। सो गाइस ये वाले पैनल जो है ना पेंट कर दिए हम लोगों ने, अभी न्यूज़पेपर ये पे थोड़ा सूखने देता हूँ उसके बाद निकालता हूँ, अभी खाली ये रैप उतारना है और ये सीट निकाल रहा है अभी ने, हाँ निकाल दे पूरा निकालना, पीछे के लिए मार पीछे मारना, अरे ऐसे नहीं, हाँ बस खुल गया अभी सीट भी खुल गया अपना, इस तरफ का ये वाला भी कर दिया पेंट और ये वाला भी कर दिया ब्लैक पेंट, इसमें थोड़ा ये स्टेन आ गया थोड़ा सा हल्का सा, बट करेंगे कुछ तो करेंगे इसको, रैप अपना पूरा उतर गया अभी, टैंक देखो क्रीमी कलर आ गया अपना फिर से, अभी इसको पेंट करना बहुत बड़ा टास्क है, दोनों तरफ का निकाल दिया अभी। तो गाइस अभी कर रहे हैं हम लोग टैंक को ब्लैक और पूरा न्यूज़पेपर वगैरह पूरा फिट कर दिया, देने लगा उधर स्टिकर निकालने के लिए, जो पहले रैपिंग किया था उसका टेप जो किया था वो बाकी बच गया, तो इसका टाइम आ गया स्प्रे मारने का। इधर करो तो अभी ये देखो, तो ये एक साइड का ख़त्म हुआ, दूसरे साइड भी होने वाला है, अभी चल रही है भाई, मैंने देख रहे टैंक हमने कर दी है ब्लैक कलर से, अच्छा दिख रहा है भाई, मैट ब्लैक हो गया टैंक और पीछे के पैरों जो है ना ये वाइट कलर के जो दिख रहे हैं, इसका भी उतार दिया रैप। तो भाई हालत देखो हाथ की कैसे हो रखे हुए हाथ अभी, तो बिने उठा रहा है इसका न्यूज़पेपर और पीछे वाला आलो हमने ब्लैक कर दिया भाई, और आगे वाला मैं सोचा था बाइट करूँगा पर अभी मेरा मन नहीं है बाइट करने का, क्योंकि इसको बाइट किया ना तो ये ऑरेंज इतना गंदा दिख रहा है तो बाइट तो और भी गंदा दिखेगा, तो एक काम करते हैं स्प्रे तो ख़त्म हो गया हमारे पास ब्लैक स्प्रे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी ना हम लोग ब्लैक ही कर देंगे आगे वाले अलोई को, क्योंकि ऑलमोस्ट बाइक ब्लैक होगी और सोचा नहीं था, अच्छा इतना क्लीन दिख रहा है यार, देखो चेक करो भाई मस्त दिख रहा है लोग इतना क्लीन, मतलब ना लोग अच्छे से पेंट किया है इसको, और टायर तो ये ब्लैक करने के बाद और भी ब्रोड लग रहा
परफेक्ट। अभी एक ही बाकी है खाली आगे वाला एलॉय ब्लैक करना। तो पेंट तो स्प्रे हमारी ख़त्म हो गई है, तीन लेके आए थे, अभी ढूंढना पड़ेगी। यहाँ बाजू में ढूंढते शॉप। तो गाइस फाइनल लुक चेक करो भाई, क्या ये पूरा ब्लैक, इवन एलॉय भी हमने ब्लैक कर दिया है, तो मस्त दिख रही है। बिना ही उठा रहा है, ये न्यूज़पेपर वगैरह उठाने में लगा हुआ है। तो बाइक का काम कंप्लीट हो गया और अभी बस खाना खा के यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा आगे कर भाई, आगे करना, आगे कर पूरा, वहाँ भी लगाना भाई। देखो तो ब्लैक ब्लैक। अरे मैं खाली सोच रहा हूँ बस अभी इसके स्टिकर ऑनलाइन से ऑर्डर कर देंगे, तो ब्लैक के साथ ना वाइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे स्टिकर में और इसको उतार देंगे हम लोग। ये किसी काम का नहीं है, खाली वाइट दिख रहा है, बाकी सब ब्लैक ही दिख रहा है। ये हमारा स्टिकर वाइट है, बाकी अपना ये डार्क ब्लैक है, बाकी तो देखो भाई चेक करो नेक्स्ट लेवल ना। कैसी लग रही है तेरे को? हाँ तो भाई देखो कितनी बोतल ख़त्म की है हमने, एक दो तीन चार पाँच, ये खाली ब्लैक की है। और जो वाइट कलर लेके आए थे ना हम लोग, वो किसी काम का नहीं बचा, वो फेंकना ही पड़ेगा। फेंकना क्या मतलब, रख लेंगे उसको बाद में किसी काम आए तो अच्छा है। तो देखो भाई अभी सिनेमैटिक निकालेंगे मस्त, अभी एक दो दिन वॉश नहीं करूँगा, उसके बाद वॉश करने के बाद देखना क्या दिखेगी। चेक करो भाई सामने से क्या दिख रही है, मतलब डी आर अलाउन करती भाई ब्लैक, बिना लगा हुआ सिनेमैटिक शॉट निकालने के लिए। तो सिनेमैटिक में डाल देता हूँ वीडियो पर, आप इन्जॉय करना। आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ये बार आप ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करके अब हम लोग भी निकल जाएंगे घर के लिए। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।